नमस्कार। पापा मम्मी किचन में आज हम बिना चीनी बिना घी तेल का इस्तेमाल करके सर्दियों के लिए स्पेशल तिल मावा रोल बना करके तैयार करेंगे। वैसे तिल की तासीर गर्म होती है और तिल के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि सर्दियों के मौसम में यदि हम तिल की चीज़ें बनाकर खाते हैं, तिल के लड्डू बनाकर खाते हैं, तो शरीर में गर्मी तो बनी ही रहती है, इसी के साथ पूरे साल हमारी हड्डियाँ मजबूत बनी रहती है। और इस तरह के तिल मावा रोल बनाने में इतने आसान होते हैं और खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि हर बार सर्दियों में आपको इस तरह के तिल मावा रोल बना करके खाने का मन करेगा। तो आइए रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1.5 कप तिल लिए हैं, जो वजन में देखे तो 200 ग्राम तिल है। मार्केट में कई तरह के तिल मिलते हैं, एक पॉलिश वाले तिल भी मिलते हैं, बिना पॉलिश वाले तिल भी मिलते हैं और ब्लैक तिल भी मिलते हैं। जो भी तिल आपको लेना हो वह ले सकते हैं। ये मैंने पॉलिश वाले तिल लिए हैं। अभी इसको हम सेक लेते हैं। तिल को सेकने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। तिल सेकते समय ये आप ध्यान रखें गैस को कभी भी स्लो और मीडियम के बीच में रखें, तेज आंच में नहीं सेकें और तिल को बराबर चलाते रहें। तिल सेकना बहुत ही आसान है और तिल आपके सिके या नहीं है इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि तिल को आप जब भी सेकेंगे तो उसमें चटकने की आवाज़ आने लग जाए तो तिल आपके सिकना चालू हो गए हैं। दूसरे, तिल के अंदर से हल्की हल्की खुशबू आने लग जाती है और तिल हमारे थोड़े से फूल जाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको दिखने लगे तो इसका मतलब तिल आपके अच्छे सिक गए हैं। पर तिल यदि आप ज़्यादा सेक लेंगे तो तिल आपके कड़वे हो जाएंगे, इसीलिए आँच को कभी भी स्लो और मीडियम के बीच में रखे सेकें और कंटिन्यू चलाते रहें, तिल को छोड़ना नहीं है। अभी तिल में से हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, ये कि तिल अभी सिकने लग गए और चटकने लग गए हैं और थोड़ा थोड़ा तिल फूल भी गए हैं। बस इतना ही सेक करके तैयार करें तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर तिल हमारे सिक करके तैयार हो जाते हैं। अभी इस तिल को हम निकाल लेंगे। तिल को कभी भी आप इस कढ़ाई में नहीं रखें। तिल को आप कढ़ाई में रखेंगे तो उसकी गर्मी से तिल जलने लग जाएंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपकी जो रोल बनाएंगे वो कड़वे बन के तैयार होंगे। अभी इसी कढ़ाई में मैंने सेकने के लिए 1/4 कप नारियल का बुरादा लिया है। यदि आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे भी हमें बहुत धीरे आँच में सेकना है क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है तो फटाफट सेक के तैयार हो जाएगा। और जैसे ये सेकने लगे इसके अंदर से तेल थोड़ा रिलीज होने लग जाता है और हल्की खुशबू आने लग जाती है। बस हमारे को इतना ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हमारा सेक करके तैयार हो गया है। इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, एकदम सफ़ेद है। अभी तिल हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अभी इस तिल में से 1/2 कप जितना तिल हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। और ये जो तिल है इसको हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो इस समय मैं बता देती हूँ, यदि आप तिल को गर्म पीसेंगे तो तिल में से तेल निकलने लग जाएगा, तो फिर पूरे तिल एकदम से बाइंड होकर के लड्डू के जैसे बन जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप तिल को पूरा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में आप किस तरह से पीसें वो मैं आपको बताऊंगी। अभी इस तिल को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अभी तिल पीसने के समय मैं आपको बता देती हूँ, आप कंटिन्यू चला करके नहीं पीसें। कंटिन्यू चलाएंगे तो इसमें तेल निकल जाएगा, तो आपको पल्स मोड पे चलाना है। इस तरह से आप पल्स मोड पे चलाएं। इसे मैं दरदरा पीस के ही तैयार करना है, तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से दरदरा पीस के तैयार हो गए हैं। इसमें से कोई तेल नहीं निकला, देखिए सूखा सूखा है। तिल को आप ठंडा करके पीसेंगे और पल्स मोड पे पीसेंगे तो आप इसी तरह के तिल पीस के तैयार होंगे। अभी इसको हम निकाल देते हैं। अभी मावा रोल बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। पैन में सबसे पहले हम खोया डाल देते हैं। ये मैंने 1 कप खोया लिया है, जो वजन में लगभग 225 ग्राम है। खोया आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। घर में भी बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। ये मैंने भी घर में बना करके तैयार किया है। अभी इसको हम पैन में डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। गैस को कभी भी धीरे आँच में चालू करेंगे क्योंकि खोया बहुत जल्दी से कलर पकड़ लेता है। घर में जब खोया बनाकर तैयार करते हैं तो काफ़ी स्मूथ खोया बन के तैयार होता है। ये कितना सॉफ्ट है खोया। ये मार्केट का जब खोया लेके आए आप तो उसको कद्दूकस कर लें, कद्दूकस करके यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फटाफट बन के तैयार होगा। आप देख पा रहे हैं बर्फ़ी के जैसे सॉफ्ट होने लग गया है। इसमें कोई तरह के लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। जैसे खोया सिकने लगता है अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और अच्छी खुशबू भी आने लग जाती है। जिस समय खोया मैंने डाला था तो उस समय थोड़ा हार्ड लग रहा था, अभी देखिए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। यदि आपके खोया हार्ड है और सॉफ्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा पकाया। अभी मैंने इसमें डालने के लिए 3/4 कप गुड़ लिया है। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप गुड़ 1 कप भी ले सकते हैं। और गुड़ को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो गुड़ को आप कूट सकते हैं, कूट करके छोटा छोटा कर लें, छोटा छोटा करके डालें। गुड़ को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा इसके अंदर गल जाना चाहिए गुड़। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ एक बार,
क्योंकि खोया गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है तो गुड़ आराम से पिघल जाएगा। ज़्यादा गुड़ का पका लेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, जो जो रोल बनेंगे हमारे हार्ड बन के तैयार होंगे, तो रोल कभी भी हार्ड नहीं होना चाहिए। आप इस तरह चलाते रहें और मिक्स करते रहें। कढ़ाई भी हमारी गर्म है और खोया भी गर्म है। गुड़ में कोई तरह के दाने वगैरह नहीं रहने चाहिए, अच्छे से गुड़ पिघल जाना चाहिए। यदि आपका गुड़ अच्छे से नहीं पिघलता तो हल्का सा थोड़ा आप गर्म कर लें। मेरा गैस बंद है अभी, इससे ही मैं इसे कर रही हूँ। इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी पड़ती है। देखिए गुड़ अभी पूरा अच्छे से गल गया है इसमें, इसमें कोई तरह के गुड़ के दाने वगैरह नहीं है। इस तरह से गुड़ पिघल जाता है तो उसके बाद में जो तिल को हमने पीस के रखा है वो इसको डाल देते हैं। इसी के साथ जो नारियल का बुरादा हमने सेक के रखा है वो भी डाल देते हैं। जो आधा कप मैंने तिल बचा के रखा है वो आधा इसमें डालेंगे, आधा को हम बचा के रखेंगे, आधे को हम बाद में यूज़ करेंगे, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई बिगनर्स भी हो तो ये आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है बच्चों को चाशनी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। अभी मैंने थोड़ा सा एक छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। इस जगह पे आप चाहे तो इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसका लुक बहुत अच्छा है। इसके लिए इसमें थोड़े से पिस्ते डाल देते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो थोड़ा लुक इसका अच्छा दिखता है। सफ़ेद के साथ में जो ग्रीन दिखते हैं वो अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इस समय इसे बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, इसके रोल भी बना सकते हैं। मैं ये रोल बना करके तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने गुड़ डाला है, आप चाहे तो इसकी जगह पे खजूर भी डाल सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पे मैंने पहले आपको खजूर के रोल बनाना बताए हैं, तो खजूर को किस तरह से तैयार करना है वो आप उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। गैस बंद करके हमें 2 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए अभी धीरे धीरे पूरा ये इकट्ठा हो गया है और हल्का ठंडा भी हो गया है। अभी इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। रोल आपको कितना मोटे बनाना है उस हिसाब से आप अलग अलग कर सकते हैं इसको। मैं इसके 2 रोल बना रही हूँ, एक पार्ट को इधर से इस तरह से आप इकट्ठा कर ले इसको पूरा। इसमें कोई तरह के क्रैक्स नहीं रहेंगे और पूरा इकट्ठा हो जाएगा आराम से, ये पूरा रोल हो गया। अभी जो पीछे बचा हुआ है उसको साइड में रख देते हैं। और इस बोर्ड पर हमने एक बटर पेपर लगा दिया है, तो बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तिल डाल देते हैं। जो तिल हमने बचा के रखे थे वो तिल डाल देते हैं। और जो रोल हमने इकट्ठा किया इसको इस तरह से इकट्ठा करके ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर तिल आराम से चिपक जाएंगे। तिल मावा रोल है तो तिल ऊपर से चिपके हुए अच्छे लगते हैं। आप इस तरह से तिल लगा लें, बहुत इजीली लग जाते हैं। मावा रोल कितना मोटा रखना है वो आप पे डिपेंड है। इस तरह से हमने रोल बना करके तैयार कर लिया है, न तो बहुत ज़्यादा मोटा रखा है न ज़्यादा पतला रखा है। अभी हमने एक एल्यूमिनियम की फॉइल ली है और इसके अंदर ये रोल को डाल देते हैं। इसे डाल करके से पैक करके इस तरह से गोल गोल साइड में भी इस तरह से पैक कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी इनको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो फ्रिज में थोड़े से सेट हो जाएंगे ये। अभी इसको फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो गया है, तो इसको हमने निकाल लिया है। अभी इसका हम ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल निकाल करके काट लेंगे। तो एक को हम साइड में रख देते हैं, एक को हम प्लेट में ले लेते हैं। आराम से देखिए बहुत ही अच्छे सेट हो गए हैं अभी। तो अभी इसको काट लेते हैं, एक बार इसके साइड का पतला सा निकाल लेते हैं जिस शेप इसका अच्छा रहे। और जितना मोटा काटना है उस हिसाब से आप काट सकते हैं। ये आराम से कट जाता है। देखिए इसके अंदर पिस्ता वगैरह डाले हैं, वो दिख रहे हैं अच्छे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने काजू कतली की वीडियो में आपको बताया था कि जिस समय काजू कतली बनाते हैं तो उसको थोड़ा सॉफ्ट रखना पड़ता है, उसी तरह इसको भी थोड़ा सॉफ्ट रखना है, क्योंकि धीरे धीरे 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। यदि आप हार्ड बना करके तैयार करेंगे तो 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सर्दियों में आप भी अपने घर में इस तरह से तिल मावा रोल बना करके ज़रूर ट्राई करें। मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।